राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कार्यक्रम। अभ्यास का महत्व। वरदराज नाम का एक बालक था। जब वो 5 वर्ष का हो गया, पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेज दिया। गुरुजी के पास और भी कितने ही बालक पढ़ते थे, वरदराज भी पढ़ने लगा। उन दिनों बालक गुरुओं की सेवा में रहकर ही विद्या प्राप्त करते थे। वरदराज मंदबुद्धि बालक था। उसे कुछ याद नहीं रहता था। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए। वो 1 साल की पढ़ाई में कई कई साल लगाता रहा। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते समझाते, पर सब बेकार। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। वरदराज वैसे स्वस्थ और हृष्टपुष्ट था। वो देखने में भी अच्छा था, पर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। सहपाठी उसे छेड़ते, उसका मजाक उड़ाते। गुरुजी के पास रहते हुए उसे 5 साल हो गए थे, पर वो कुछ विशेष सीख नहीं सका था। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वो तो आगे बढ़ ही गए थे, जो बाद में आए थे वो भी उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा वरदराज। जी गुरुजी। मैं समझता हूं कि पढ़ना लिखना तुम्हारे वश का नहीं है। मैंने कितना प्रयत्न किया, तुम्हें कितना पढ़ाया और समझाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। इससे तो यही अच्छा है घर जाओ और वहां का कामकाज देखो। जी। वरदराज सोचने लगा, घर जाकर पिताजी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे कहूंगा कि गुरुजी ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया है। लोग क्या कहेंगे कि पिता तो माना हुआ विद्वान और बेटा मूर्ख। ये सोचकर वरदराज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा।
उसने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए, साथियों से गले मिला और भारी मन से विदा हुआ। मारे शर्म के वो धरती में गड़ा जा रहा था। उसके पांव उठते ही नहीं थे। वो उदास अनमना सा चल रहा था। यूं घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर और कोई ठौर ठिकाना भी नहीं था। कहां जाए, क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो सवेरे चला था और अब दोपहर हो गई थी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे सत्तू दिया था। उसे भूख भी लगाई थी और प्यास भी। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। वरदराज पानी पीने के लिए कुएं की जगत पर गया। उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह पत्थर पर निशान पड़ गए हैं और मिट्टी के घड़ों को रखने से जगत में गड्ढे पड़ गए हैं। वरदराज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसने सोचा, बार बार की रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सी पत्थर को काट सकती है। हल्की सी चोट से टूट जाने वाले मिट्टी के घड़ों से पक्के पत्थरों पर गड्ढे बन सकते हैं। फिर क्या, लगातार परिश्रम करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता? बस, वो स्वयं ही बोल उठा। मैं परिश्रम करूंगा, फिर देखता हूं मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी, कुछ कर दिखाने का संकल्प था। उसने कुएं पर रखे डोल से पानी निकाला, हाथ मुंह धोया और खाना खाकर पेट भर पानी पिया। अब वो लौट पड़ा। की बार उसका मन भारी नहीं था, वो तेजी से चल रहा था। उसकी उदासी दूर हो चुकी थी। अब तो वो दूसरी ही तरह का वरदराज लग रहा था। अस्त होने से पहले ही वो आश्रम जा पहुंचा।
उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वरदराज नम्रता पूर्वक बोला, गया था गुरुजी। हाँ? पर आधे रास्ते से लौट आया, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल पिघल गया, बोले, ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूं। तुम जो कुछ कह रहे हो उसे कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। उसके साथियों को जब पता चला कि वो फिर वापस आ गया है, तब वो तरह तरह की बातें बनाने लगे। वरदराज ने पढ़ाई प्रारंभ की। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहां भाग गई। वो रात को देर तक पढ़ता रहता। और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी वो एक क्षण व्यर्थ नहीं गवाता था। फिर क्या था, जो पाठ याद करना उसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की तरह कठिन लगता था, वही अब सरल हो गया। गुरुजी और दूसरे छात्र वरदराज के इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य में डूब गए। अब वरदराज की गिनती सफल और अच्छे छात्रों में होने लगी। ये लगन और कठोर परिश्रम का चमत्कार था। आगे चलकर यही वरदराज प्रसिद्ध विद्वान बने। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है, किंतु इस पर आधारित व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी को समझने में विद्यार्थियों को बहुत परिश्रम करना पड़ता था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी व मध्य सिद्धांत कौमुदी नामक दो ग्रंथों की रचना की। व्याकरण के प्रारंभिक छात्रों के लिए ये परम उपयोगी ग्रंथ है। वरदराज के जीवन की इस घटना से एक लोकोक्ति ही प्रसिद्ध हो गई है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अभ्यास का महत्व। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम
विषय संपादक सत्येंद्र वर्मा और लता पांडे, आलेख संत राम वत्स्य, कार्यक्रम निर्देशन प्रभु दयाल खट्टर, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, सतीश कक्कड़ और दीपांश, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।